दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। आपको बता दूं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। अब इसी सिलसिले में शामिल हो गई हैं बॉलीवुड से राजनीति में एंट्री करने वाली बॉलीवुड हीरोइन, जिनका नाम उर्मिला मातोंडकर है। दोस्तों, उर्मिला मातोंडकर ने महज 5 महीने में ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि मुंबई कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से नाराज होकर उर्मिला ने यह फैसला लिया है। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी राजनीतिक और सामाजिक संवेदनाएं बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए है, लेकिन मुंबई कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का कारण मैं ऐसा कर पा रही हूं। यह बात उन्होंने कही है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, विधानसभा के चुनाव बहुत करीब हैं। महाराष्ट्र में कुछ दिन बाद, कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ऐसे बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस को छोड़कर जाना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़े झटके के जैसा हो सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के एक और मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन आपको बता दूं, उर्मिला मातोंडकर जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, मैं आपको वो आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में आने वाले सभी विधानसभा चुनावों में ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं, इस्तीफे के बाद उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी हूं। उन्होंने बताया कि मुंबई कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मलिन देवड़ा को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी हार के लिए स्थानीय नेताओं पर उंगली उठाते हुए कमजोर रणनीति, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और फंड की कमी को जिम्मेदार बताया था। हालांकि उनका यह गोपनीय खत लीक हो गया, जिससे उर्मिला खासी आहत थी और जिसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो गुटबाजी है, वो किसी से छिपा नहीं है। हर एक राज्य में कांग्रेस पार्टी के अपने नेता ही आपस में लड़े जा रहे हैं, आपस में ही लड़ लड़कर पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी में सुधार करना है। वहीं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इसको लेकर के नाराज भी हैं। बहुत सारे ऐसे, यानी कि ऑडियंस हैं या फिर दर्शक हैं, वो भी नाराज हैं। बहुत सारे ऐसी प्रतिक्रिया भी आई। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव से पहले। दोस्तों, इस पे आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, नीचे जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।